लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हारा नाम विजन 44 माल लाया नुसरत बैग ले लो अरे इस माल की कोई कच्ची रसीद मिलेगी ठहरो बैग खोल कर देखो उसमें 200 सोने की बिस्किट है कि नहीं डागर इसमें पत्थर है पत्थर अरे अरे नहीं डागर साहब अरे प्लीज प्लीज अरे ये क्या अरे अरे डागर साहब क्या कर रहे हैं आप रामजादे धोखा करता है हमारे साथ अरे नहीं मैंने किसी को धोखा नहीं दिया भगवान की कसम मैंने तो बैग खोल के देखा भी नहीं जैसा मुझे बैग मिला वैसा मैंने आपको दिया डागर साहब अरे अरे संभाल के देखे लगता है झूठ बोलते हो तुम अरे नहीं नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं तो इस कॉलेज में नया नया भर्ती हुआ हूँ मुझे तो गुगा सिंह के किसी आदमी ने फोन करके कहा अरे आप बात बात में तुम क्यों चला रहे हैं अरे साहब क्या कर रहे हैं आप अरे अरे सर सरकार माई बाप आपकी भी कोई औलाद होगी मुझे भी अपना बच्चा समझे मुझे ये काम नहीं करना है मुझे काम नहीं करना है सच सच बता माल कहाँ रखा है नहीं तो एक भगवान जी दो शक्ति भैया तीन गुड बाय थैंक यू वेरी मच सर जाओ जी जाओ जाओ कहां पर सर जाओ यहां से थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू के बच्चे मैंने तुमसे कहा था ना जाओ जाओ फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो लेकिन सर आपका शुक्रिया अदा किए बिना मैं यहाँ से कैसे चला जाता ठीक है पर तुम्हें मालूम था मैं क्या कर रहा था लेकिन सर मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि आप यहाँ जंगल में खड़े होके शट अप सॉरी सर कम यहाँ यस सर मैं यहाँ क्या कर रहे हो सर वो कुका सिंह के आदमी ने मुझे फोन करके कहा कि पीली कोठी से काला बैग लेकर यहाँ आके इस आदमी को मैं दे दूँ सब सुना सॉरी सर कितने दिनों से इस धंधे में हो 7 दिन से सर सर मैं आपको उस दिन मिला था ना उस दिन मेरा चौथा था आई मीन मेरा चौथा दिन था सर तुम हंस क्यों रहे हो क्योंकि आप हंस रहे हैं सर मतलब जो मैं करूंगा तुम करोगे बिल्कुल वही करूंगा सर फिर करो हाँ सर Oh! Yeah! Shut up! Shut up! Oh, I'm sorry, sir.
तो मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं सर। मेरे जैसा? हाँ, क्यों सर? सिकंदर स्टाइलिश, रिच, बहादुर। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। लेकिन सिकंदर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं सर। पैसे वाला क्यों? क्योंकि मैं राधा से शादी करना चाहता हूं सर। ये राधा कौन है? मेरी महबूबा। मतलब आशिक हो? जबरदस्त सर। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, लगाइए 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 लगाइए। थैंक यू सर। पकड़ोगे क्या सर? बंदूक? हाँ सर। थैंक यू सर। जब लड़की के घर वाले दुश्मन बन जाते हैं तो आशिक के दिल को ठेस तो लगती है ना सर? लगी लगी सर। अरे क्या उनके बाप गना जाए सर? अरे वो समझते क्या अपने आप को? इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी राधा से अलग नहीं कर सकती सर। अरे मैं सब कुछ खत्म कर सॉरी सर, सर आग लगा दूंगा मैं, आग। मेरा तो ये ओपन चैलेंज है सर, एक्सक्यूज मी, कि जिसमें दम हो वो मेरे सामने आ जाए, मैं अकेला ही 100 के बराबर हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। नहीं 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 सर, हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना, जब मैं गुस्से में आता हूँ तो यूं ही घूमने लगता हूँ, यूं ही घूम। मगर उसका वो जो बाप है ना सर, उसके बाप के तो मैं टकले पर मारूंगा सर। और वो फूफा, उसको तो मैं यूं यूं घूसा मार के उसका मुंह तोड़ दूंगा सर। देखिए ये गॉन केस। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। हाय हाय। तुम फिर आ गए? दरअसल सर, मैं आपसे माफी मांगने आया था कल रात की हरकतों पर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। लेकिन मुझे तो बहुत फक्र है। मुझ पर सर? तुम्हारी हरकतों पर। मतलब आशिक सच्चे हो? थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन कामयाब नहीं हो सकते, शराब पीकर गिर जाते हो। नया हूं ना सर। बहुत प्यार करते हो उस लड़की से। लेकिन सर उसे लड़की मत कहिए, लड़कियां तो हजारों हैं लेकिन राधा सिर्फ एक ही है। देखो रोमी, इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए 3 तरीके की पावर चाहिए। पावर सर? मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर। पैसा, ताकत या तलवार। लेकिन सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये क्या है सर? जो प्यार से ना माने वो तलवार से माने। तलवार सर? ये पिस्तौल लो और सीधा राधा की हवेली के बाहर खड़े हो जाओ, रात के अंधेरे में। फिर सर? फिर एक गोली चलाओ। फिर सर? राधा के घर वाले बाहर चले आए। फिर सर? फिर इसे घुमाओ और इस पिस्तौल से डराओ। फिर सर? फिर गायब हो जाओ। फिर सर?
पहले ये तो करो। I'm sorry, sir. सर एक बात पूछूं? आपने मुझसे मेरी सारी लव स्टोरी पूछ ली है और आप मेरी इतनी मदद भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने कभी इश्क नहीं किया लेकिन आशिक मुझे बहुत पसंद है। सर। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। डर मत रोमी, बंदूक उठा, गोली चला। सर ठीक कहते थे, सर बाहर आ गए। अब जरा स्टाइल से बंदूक घुमा। रोमी पिस्तौल तान रे। डर गए साले। अब जरा स्टाइल मार। तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन। क्यों नहीं? मिठाई खाओ बेटा। पिस्तौल भाई तेरा। बंदूक था, पिस्तौल उधर करो, उधर करो बेटा। बंदूक। तो आप क्या कह रहे थे? बेटा मैं तो यही कह रहा था कि पिस्तौल चलाने से या खून खराबा करने से तो बात नहीं बनेगी, बात तो बात करने से बनेगी। क्यों जी जाजी? अरे साले साहब, बात क्या करनी है? हम तो देख चुके हैं हमारा रोमी बेटा हमारी राधा बेटी से कितना प्यार करता है। बिल्कुल, हमारी राधा बेटी के लिए रोमी से ज्यादा अच्छा लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हजूर आपका फोन आया है। हेलो रोमी। रोमी मैं बोल रहा हूँ। यस 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 सर। डरो मत, इस तरह बात करो जैसे तुम सिकंदर हो और मैं रोमी। कुछ फायदा हुआ गोली चलाने का? हुआ तो है। गुड, डायलॉग नंबर 1 याद है? एक काम करो, माइकल का खून कर दो। खून मारे। अब डायलॉग नंबर 2, माइकल के दोस्त राजन की फैमिली को किडनैप कर लो। हो सकता है आगे हमारे लिए चलकर वो प्रॉब्लम ना बन जाए। Good, Sunny boy, good. And all the best. Okay. Don't touch me. Don't touch me. No touch. पकड़ो। हाँ तो बुबा जी, आप क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? अरे हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। और राजा साहब को क्या कहेंगे? अरे गोली मारो राजा साहब को। कुछ नहीं हुआ है मुझे। I'm all right. डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पिस्तौल जी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। Everyone, control yourself. मैं दादा के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ, लेकिन आप में से कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करेगा प्लीज। नहीं बेटा नहीं। ये राधा प्लीज मुझे बाहर तक छोड़ा। राधा बाहर छोड़ो। जा रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। अभी बाय बाय बाय। मैनेजर। अच्छा है, अब तो बहुत चिल्ला रहे हैं साले साहब। जब रोमी यहाँ पे था तब तो आपकी बोलती कुछ बंद हो गई थी। उसके हाथों में पिस्तौल थी। पिस्तौल देख के किसी की भी बोलती बंद हो जाएगी। सुना? बोलती बंद रहे तो ही अच्छा है। अब टाइम बदल गया है, मुंह खोला तो कहीं वो मशीन गन लेकर ना चला है। मशीन गन? फिकर मत करो जानकी बहन, इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। हाँ है। उसी के दिए हुए पैसों से हम उसी को अंदर करवाएंगे। बस आप उसे कम से कम 2 साल की सजा करवा दीजिए। ये सारे नोट आपके एडवांस में। यानी कि ये सब के सब आप मुझे दे देंगे? दे देंगे क्या, दे दिए सब के सब। और भी मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई जाओ जाओ। जरा नजदीक आइए। हाँ जी हाँ, कहिए। साले साहब, हुजूर मेरा कसूर? ये नकली नोट दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे? नकली नोट? हाँ ये जाली नोट है। 2 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम दोनों को अंदर कर देंगे।